एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। हमारा टॉपिक है बी एफ स्किनर लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इससे पहले हमने पेवलेप की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस किया था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और हर बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो बी फोकस। तो जो स्किनर थे उनका फुल नेम था बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, ऑथर भी थे। ऑथर मीन्स कि इन्होंने इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था स्टार्टिंग में, तो उसकी वजह से इन्होंने कुछ पोएम्स, पोइट्री वगैरह भी लिखी थी और बाद में इन्होंने कुछ बुक्स भी इन्वेंट की। इन्वेंटर भी थे और सोशल फिलोसोफर भी थे। और ये एक यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें साइकोलॉजिस्ट थे जब तक इनका रिटायरमेंट हुआ 1974। और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बी एफ स्किनर का किसी की थ्योरी जो थी वो एक दूसरे पर बेस्ड थी। जैसे कि जो स्किनर ने थ्योरी अपनी क्रिएट की थी वो बेसिकली जो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था उस पे बेस थी कि किस तरीके से हम किसी वर्क को करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बताया कि दो तरीके से हम वर्क को इफेक्ट कर सकते हैं, एक तो रेनफोर्समेंट बताया उन्होंने और दूसरा पनिशमेंट। इन पे, इन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस था कि ये कितना इफ़ेक्ट करते हैं वर्क को। तो शेप जो दिया था, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, इसी के थ्रू रिस्पॉन्स मिलता था। वो किस तरीके का रिस्पॉन्स होता था, पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्किनर थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी अजम्पशंस पे। उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर जो है वो लॉफुल है, ठीक है, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है बिहेवियर। किसी के ऊपर स्टडी को करके उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है बिहेवियर को, ठीक है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू और पनिशमेंट के थ्रू। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे कुछ हेडिंग्स, जिसमें ऑपरेंट बिहेवियर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे ये, और इसी पे बेस्ड थे शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्मेंस, एवेरसिव स्ट्यूमली, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और शेपिंग, सुपर सीएस और बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेंट बिहेवियर। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर पर्सनैलिटी जो है इंडिविजुअल होती है, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, थ्रू द स्टडी ऑफ हिज बिहेवियर। पर्सन के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करके उसकी पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। तो इन्होंने बिहेवियर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट बिहेवियर। तो रिस्पोंडेंट बिहेवियर को इन्होंने बताया कि जो एनवायरनमेंट से वेल नोन होते हैं, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, मींस कि हम ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर क्या होता है, होने लगता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जलेबी। अब इस जलेबी को देखते हुए जो जो ये वीडियो देख रहा है सबके मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक रिस्पोंडेड बिहेवियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे, ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर टोटली उसके अपोजिट होता है रिस्पॉन्ड के। ये डिफ़िकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई और ये टोटली क्या होता है, डिपेंडेड होता है रेनफोर्समेंट पे। अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा तो जो रिस्पॉन्स होंगे
वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पे एक डॉग की पिक्चर्स देख रहे होंगे, उसमें वो वेल बिहेव करता है अपने ओनर के साथ, तो उसको क्या मिलता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में उसको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है बाई ऑनर। तो अगर वो वेल बिहेव हमेशा करता है तो उसको वैसे ही रिइंफोर्समेंट मीन्स पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता रहता है, तो उसके जो रिस्पॉन्सेस क्या होंगे वो इंक्रीज़ होंगे, वो हमेशा ही वेल बिहेव करेगा। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मीन्स कि अगर उसने वेल बिहेव नहीं किया तो उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे उसके जो जो उसने मिसबिहेव किया है उसको वो डिक्रीज़ करने लगेगा, वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की ओर ज़्यादा टर्न होगा। तो ये होता है रिइंफोर्समेंट, ठीक है, ऑपरेंट बिहेवियर में। तो एक्सपेरिमेंट है जो स्कीनर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पहला उन्होंने रिइंफोर्समेंट और दूसरा पनिशमेंट, इन दो चीज़ों पे फोकस किया। पहला कि एक रैट को लिया, उसको इस बॉक्स में छोड़ दिया, ठीक है, इस बॉक्स में, जब एक बॉक्स में आप चूहे को बंद कर देते हैं तो वो किस तरीके से क्या करने लगता है, इधर उधर उछलना कूदना शुरू कर देता है, एक तरह से एक्सप्लोर करने शुरू कर देता है कि मैं किस तरीके से इसमें से निकलूं। तो कुछ ऐसा ही इस चूहे ने भी इस बॉक्स में किया। इस बॉक्स को ऑपरेंट बॉक्स भी कहते हैं और स्कीनर बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्कीनर बॉक्स। तो इस बॉक्स में इधर उधर जब उछलना कूदना शुरू किया तो ये जो लीवर का बटन है ना, ये प्रेस हो गया, तो फिर लाइट्स ऑन हुई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ खाने को मिला, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। तो जब भी उसे भूख लगती थी वो इसी लीवर को प्रेस करता था और उसको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करने चेक करने के बाद क्या रिस्पांस मिला, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट्स को चेक करने के लिए जब स्कीनर ने इसको दोबारा उस बॉक्स में डाला तो इलेक्ट्रिक शॉक जो था वो जनरेट किया बॉक्स में। जब इलेक्ट्रिक शॉक उसमें लगा, ये ग्रिल लगी हुई थी इसकी वजह से, तो इधर उधर फिर से उछलने लगा चूहा, तो उसमें क्या हुआ, अचानक से फिर से ये लीवर प्रेस हुआ, मीन्स कि उसे एक दो बार होने के बाद चूहे को पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लग रहा है, मैं अगर इस लीवर को प्रेस करूँगा तो फिर मुझे ये शॉक लगना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट था, उन्होंने ये बताया इसके अकॉर्डिंग कि जो पनिशमेंट होती है वो वर्क नहीं करती है, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए तो क्या, रिइंफोर्समेंट को, ठीक है, वर्क यही करता है। और इन क्लासरूम एज अ टीचर आपको रिइंफोर्समेंट को ही यूज़ करना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके का ले लेते हैं, अगर एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से मिसबिहेव करता है तो उसके पेरेंट्स उसको थप्पड़ ना मार के किस तरीके का रिइंफोर्समेंट देते हैं कि तुम जाओ और अपना रूम क्लीन करो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जब दोनों एक साथ दिया जाता है तो उसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है और ये वर्क भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बताया कि जब रिइंफोर्समेंट दिया जाता है तो उसके थ्रू जो पर्सन है बिहेव करता है, प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस इज लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, वह उन सिचुएशन को रिपीट करता है। जैसे कि जब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला चूहे को तो वो बार बार उस भूख लगने पर बार बार उस लीवर को दबाता था और उसे खाने को कुछ ना कुछ मिलता था।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इन दोनों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, बहुत ज़रूरी भी है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो हुआ अगर आपका एग्ज़ाम है, आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप अगर अच्छे मार्क्स ले आएंगे एग्ज़ाम में तो आपको लैपटॉप फ़ोन कुछ भी गिफ्ट में दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। और उस एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप क्या करते हो, पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम में भी आपको कुछ चाहिए, मतलब फ़ोन मिल गया पहले, बाद में आपको लैपटॉप मिलेगा, तो फिर आप पढ़ते नहीं हो, ज़्यादातर फ़ोन में अपना टाइम लगाते हो। तो इस कंडीशन में आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपके फ़ोन को छीन के रख लेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आफ्टर एग्ज़ाम आपको वो फ़ोन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। तो पनिशमेंट भी टू टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट को पहले समझ लेते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स कि आप क्लास में, आपको पूरी क्लास को होमवर्क दिया जा रहा है, बट आप एक ऐसे बच्चे हो जो कितने दिनों से होमवर्क करके नहीं ला रहे हो, ठीक है, तो फिर टीचर क्या करेगा, आपको या तो स्कूल फिनिश होने के बाद भी आपको स्कूल में बैठा के उस होमवर्क को करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि आपके पेरेंट्स जो है एग्ज़ाम टाइम में आपका फ़ोन ले लेते हैं और फिर आपको वापस दे देते हैं, बट नेगेटिव पनिशमेंट में ये होगा कि आपका फ़ोन आपसे हमेशा हमेशा के ले लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गया। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।